हेलो एवरीवन, आज मैं लाई हूँ एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपना वेट पल पल में जानना पड़ता है कि मेरा वेट आखिर है क्या। तो मैंने एक बहुत बढ़िया सी वेइंग मशीन मंगाई है, उसका मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये बहुत बहुत बार मैं कह चुकी हूँ कि जब भी कोई सामान इस टाइम पे मंगाएं तो प्लीज़ उसे आप अच्छे से सैनिटाइज़र से स्प्रे करके साफ़ कर लें, जैसे कि मैंने किया है। एंड क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, पता नहीं कहाँ से सामान आ रहा है। तब तक मैं इस डब्बे को काटती हूँ धीमे धीमे, और डब्बा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम इसे आगे चल के कुछ रखने के यूज़ में भी ला सकते हैं। बट कोरोना टाइम में यार ये यूज़ करने का मन नहीं कर रहा डब्बा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सैनिटाइज करके यूज़ करें कि नहीं। वैसे तो मैं कहूँगी नहीं, मतलब मैं तो नहीं यूज़ करने वाली। सो हमारा फाइनली जो डब्बा आया है बहुत प्यारी वेइंग मशीन का, वो खुल गया है। इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट मुझे वो ब्लैक कलर का ही चाहिए था। और ये जो मशीन है ना, ये गज़ब है, गज़ब। मैं चाहती थी कि मुझे ब्लैक ही मिले, और मुझे ब्लैक ही मैंने सेलेक्ट की थी, तो ब्लैक ही मुझे मिली है। ये जो मशीन है ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं इसका चेहरा आपको दिखा देती हूँ। चेहरा दिखाने से पहले इसमें इतना कुछ लग के इसलिए आया क्योंकि कांच की है। मतलब कांच का मतलब ये नहीं कि मतलब चढ़ के टूट जाएगी, ये ऐसी है कि मतलब इतनी सुंदर ये वेइंग मशीन है, और साथ ही साथ इसकी जो फंक्शनैलिटी, जो उसका काम है, वो बखूबी निभाएगी। अभी देखते हैं हम वीडियो में कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है मैं एक पेपर जिसमें बताया गया है कुछ इंस्ट्रक्शंस कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसको फाइनली निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर सी ये मशीन है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस चीज़ की, कि इसमें आपको ना सेल लगे लगाए मिले हैं। ये देखिए, बस ये आपको ये जो जो लगाए ना प्लास्टिक जिसमें ख़राब ना हो उसका जंक से, वो हटा देनी है। बाकी सेल जो है ना वो आपको लगाए रखने हैं। सेल लगाना बहुत ज़रूरी है, सेल आप लगाओगे नहीं तो चलेगा कहाँ से, कॉमन सी बात है। तो डिजिटल मशीन है आपकी, ये आराम से ये आप चलाइए। अब ये सेल लगा लिए हैं आपने, अब देखते हैं। देखिए अभी ये रिबूट हो रही है, अभी यहाँ पे ये अपना जो प्रोसेस है वो दिखाएगी। अब देखिए ये पूरा भी, जब तक ज़ीरो पे ना आ जाए तब तक हम नहीं कह सकते। हाँ, अब देखिए ज़ीरो पे आ गई है मशीन, मतलब कि अब आप कुछ भी तोल सकते हैं। तो मैंने अपने हाथ रख के देखा, मैंने कहा हाथ रखती हूँ, तो हाथ मेरा 1.5 का बता रहा है। मम्मी का चलिए वेट नापते हैं, मम्मी का वेट बहुत कम हो रहा है, तो मम्मी का जो वेट है वो, अरे 51.15 निकल के आया है।